भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची के जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीम के सदस्य आज विशेष विमान से रांची पहुंच गए। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ दोनों ही टीमों के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया। सुबह से ही एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ लगी हुई थी और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीम के सदस्य एयरपोर्ट से बाहर निकले, दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। बीसीसीआई और रांची के जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों के लिए बायो बबल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में महिला पुलिस के साथ जवानों की तैनाती की गई थी। भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सदस्य पदाधिकारी दो एसी बसों में बैठकर रांची स्थित 5-स्टार होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हुए। होटल में दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के लिए 5-स्टार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी होटल में कुछ देर तक विश्राम करने के बाद जीएससीए स्टेडियम में भी अभ्यास के लिए पहुंचेंगे। कल शाम मैच शुरू होने के पहले भी दोनों टीमों के सदस्य मैदान में अभ्यास कर सकते हैं। जीएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने बताया कि कल होने वाले मैच में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में पूर्ण क्षमता के अनुसार दर्शकों के बैठने की अनुमति सरकार की ओर से मिल गई है। मैच शुरू होने से 2 दिन पहले टिकट काउंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली और दर्शकों में ढेर सारा उत्साह भी देखने को मिला। आइए कुछ दर्शकों से आपको रूबरू कराते हैं। 10 बजे से यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं। 10:30 में टिकट मिला 19 तारीख के लिए, इसलिए बहुत हैप्पी हैं। मेरा नाम जितेश कुमार केसरी हुआ। विमर्श न्यूज रांची।